Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faye Sanu, and you are watching Sandon's Top. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, माई रियल वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, आई एम गेटिंग मैरिड. ओके, तो फिर वाइफ्स लिखते ना, आपने पाकिस्तान से भी लानी है, आपने बांग्लादेश से भी अदृश्या जी वाइफ लेके आनी है, तो फिर आपको लिखना चाहिए था कि वाइफ्स, ठीक है. और दूसरी चीज, ये अदृश्या की न्यू वीडियो आ चुकी है, तो साथ ही मुझे सजेशन भी आना शुरू हो गए, तो मैंने कहा वाई नॉट यार, इसकी वीडियो काफी फनी फैंटेस्टिक किस्म की होती है, तो इसको तो मैं देखना चाहूंगी, ठीक है. तो सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और वहां पर भी अब मैंने वीडियोस वगैरह डालने शुरू कर दी हैं, वहां भी जाओ यार, कोई लाइक सब्सक्राइब ठोको वहां पर भी. तो बिना टाइम को गवाए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लाइक सब्सक्राइब यहाँ भी करते जाना, क्योंकि यहाँ पर भी व्यूज डाउन चल रहे हैं, क्या करूं, पंगे पे पंगा ही चलता जा रहा है मेरे चैनल पे. तो चले गाइस, मेरा तो रोज का ही हो गया. हम हिंदू को भगा दिए, ये कबूल है, कबूल है, आपसे रिश्ता फिक्स पहन लेता हूँ, हमें आपसे ये निकाह कबूल है, और एक निकाह नामा भी साइन कर देंगे. वैसे मुझे तो पास चाहिए. स्वाहा. हाय हाय, कहाँ से? How are you? I'm all good. कहाँ से आप? जहाँ से दिख रही हूँ. अब देख तू, मेरे को तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान, तभी इतने गरीब दिख रहे हो. अदृश्या क्या शान पट्टी नहीं यार, ये बताओ, मैं दुल्हन ढूंढने निकला हूँ, सही लग रहा हूँ? मैं बोल रही हूँ गरीब भी दिख रही हूँ, आप तो वो भी नहीं दिख रहे. क्योंकि मैं अमीर हूँ ना भाई. मैं तो बात सुन आपको बताती हूँ, ये मतलब इसका इतना रोस्ट करने की इसको आदत पड़ गई है. मुनव्वर फारूकी मतलब वो प्ले ग्राउंड में गया था, तो फिर एलवी यादव अंदर पड़ गया, थोड़ा मामला ठंडा करवाया, उधर भी इसकी ना मुनव्वर फारूकी के साथ पंगा चल गया था. तुम 10-20 साल में इकट्ठे करोगे ना, यहाँ चिपका रखे मैंने. अच्छा, अरे मैंने लटका रखे. आप लोग हंसी मजाक नहीं करते क्या कभी? मैं मजाक ही कर रही हूँ. अच्छा अच्छा, मजाक ही कर रही हो, पूरा पाकिस्तान खुद मजाक बन के रह गया. अब ये बताओ क्या नाम है आपका? अबे भाई देख लो ना प्रोफाइल में, नाम देख लो. इस पे लिखा रहा है गरीब 21. अलियाना है, अलियाना, अलियाना अली. ओके ओके, ये इसकी वजह से दिख नहीं रहा. खैरियत? सब खैरियत. मैं ना बीवी ढूंढने निकला हूँ इधर, क्या लगता है मिल जाएगी? इतनी जल्दी कौन देगा बीवी? इतनी जल्दी कोई बाप तो दे देगा. नहीं इतनी जल्दी थोड़ी देगा. कितने देर में दे देगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता. आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ. अपने अब्बू का नंबर दो, बात करता हूँ अब्बू से. मेरे अब्बू तो नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे अब्बू? अब्बू कास्ट से वाई नहीं करते ना. क्या नहीं करते? लेकिन यार मेरा मजहब तो प्यार है ना. आपका प्यार होगा ना, हमारा तो वो नहीं है. ये क्या बोल दिया? इंडिया से नहीं कटे ना, बॉर्डर से निकलते ही मार देंगे. किसको? आपको? हाँ, दूल्हे को देखने से पहले ही. मैं क्या पता जन्नत में जा चुकी हूँ. तुम नरक में जाओगे. भेजेंगे कोई नहीं, मेरे को तैरना आता, बचा लूंगा आपको. भी आप पाकिस्तान आओ, आपको दुल्हन चाहिए ना, फिर मिल जाएगी. सच बोलो. एक सेकंड यार, ग्रोसरी स्टोर वाले का नंबर. हाँ ये बताओ आटा कितना लेके आना, समझ रहे हो? वीडियो बनाने के लिए इतना अच्छा सेटअप किया, क्या करूं, वीडियो बनाना तो बहाना था, तो बस आपको पाकिस्तान से इंडिया लेकर आना था. प्यार हो गया है आपको हमसे? मैं चाहता हूं कि एक दिन हमारी तस्वीर ऐसे आए. मैं और तुम, ब्यूटीफुल. ये मैं यहाँ पे आप आओगे और बीच में जो गैप है ना, वहाँ पे हमारे एक दो बच्चे. हाय, आप क्या बांग्लादेश से हो? ये रेड वाले का नाम क्या है? जन्नत. जन्नत बड़ी खौफनाक जन्नत है. सोशल मीडिया यूज करते क्या? हाँ बिल्कुल. फेसबुक यूज करते हैं क्या? लगता है बांग्लादेश आज भी 2015 में ही जी रहा है. हर बात पे इस तरह. आपके लिए फेसबुक पे आईडी भी बना लूंगा. आईडी छोड़ो, आप मेरा हाथ पकड़ो, आपके लिए सीधा शादी का कार्ड बनवाऊंगा. ओह माय गॉड, सीरियसली? जन्नत वेड्स स्वर्ग. ये तो हमारा हाथ. ये हाथ देख के लगता है कि आपने पत्थर को ज्यादा ही फेंका है. ये तो धोती खोल रहा है. तो देखो दूल्हा भी तैयार है और सामने लाल कपड़े में दुल्हन भी बैठी है. तो बुला ले काजी. इतना सुकून. आज सबको बुला लो भाई, आज ही शादी करवा दो. लेकिन इंडिया में आके प्रोटेस्ट वगैरह मत करना, यहाँ प्रोटेस्ट बाद में, जेसीबी पहले आ जाती है. हालांकि हम पत्थर में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पत्थर से दूसरों को मारते हैं. आप अपना चेहरा दिखाओ, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ.
আমি তোকে ভালোবাসি ভালোবাসি না ভালোবাসি সরি আমিও তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি কে দো বাচ্চা চাই মুঝে তো পাঁচ চাই পাঁচ বেগম জুনি খোল না आप बांग्लादेश में ही ठीक हो वैसे आपको कोई बांग्लादेश में खतरा तो नहीं हाँ है कल हसीना हमारे देश में आ जाएगी ना इसके बढ़िया है ये हसीना है अगर मोदी जी या योगी जी रहते ना तो आप लोगों के चेहरे पे सिर्फ पसीना होता अरे योगी जी और मोदी जी के लाइक जैसे जैसे भी चलता रुको शादी वगैरह तो चलता रहेगा क्या आपको पता है कबड्डी इंडिया के सबसे पुराने गेम में से एक गेम है वो भी 4000 साल पुराना और ये फास्ट और एक्साइटिंग गेम है फुल ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजी से भरा हुआ एक गलती और गेम खलास और आपको पता है इससे भी ज्यादा फास्ट और एक्साइटिंग क्या है ऑफ कोर्स परी मैच भाई परी मैच ये इंडिया का नंबर वन प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके सारे फेवरेट स्पोर्ट्स जस्ट लाइक क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी और भी बहुत सारे गेम्स इस कबड्डी प्रो लीग के दौरान आप बड़ी जीत के मौका मिलने के साथ आप किसी भी मैच के परिणाम के प्रेडिक्शन करने के रस को फील करोगे चाहे आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो या जस्ट अ बिगिनर परी मैच पे जीतना काफी इजी है जस्ट गो टू ऐप सेलेक्ट प्रो कबड्डी लीग और अपने टीम को चूज करो जो आपको लगता है कि जीतेगा कितना इजी है ना एंड सबसे बेस्ट पार्ट परी मैच आपको ऑफर देता है 150% बोनस विद योर फर्स्ट अकाउंट टॉप अप वो भी वन क्लिक रजिस्ट्रेशन के साथ इससे आसान स्टार्ट करना कभी नहीं होगा भाई और लाइटिंग स्पीड के साथ आप अपने जीते हुए राशि को विड्रॉल भी कर सकते हो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं कर पाता भाई तो रजिस्टर करो मेरे लिंक के साथ पिन कमेंट में लिंक है स्टार्ट विनिंग ऑन परी मैच चलो मैं चला शादी करने दुल्हन तो ऐसी बनूंगी लेकिन दुल्हा तुम ऐसे बनोगे ये कंफर्म नहीं है क्यों मैं ऐसी बनूंगा नहीं नहीं सॉरी मैं कटवा नहीं सकता आप पता ना ये चश्मा अच्छा लग रहा है मेरे पे या एक ये है ये अच्छा लगता है मतलब वही बात है ना मेरी बीवी को पसंद होना चाहिए कि चश्मा कौन सा बढ़िया ये सेहरा उतारो यार आप डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो रहे हो अभी आज सेहरा उतरवा रहे हो पता नहीं क्या क्या उतरवाओ गलत बात है ये नॉटी हो रहा है हाँ ऐसे अच्छे लग रहे हो ऐसे अच्छे लग रहे हो ये उतारो हाँ गले में जो पहना है वो भी उतार दो सब कुछ उतार दो नंगा हो जाऊं नहीं डर गई बहन डर गई मेरे को पता चल गया ये क्यों उतरवा रहे हो आप पाकिस्तान में बांटोगे ना रात घड़ी ज्यादा होगी सॉरी डार्लिंग रात घड़ी ज्यादा होगी वो बहुत शर्मा रही बोल रही है मैंने शादी करनी उससे अच्छा उसको भी शादी करनी है मेरे से नहीं नहीं उसको करनी है मुझको नहीं करनी यार क्यों ऐसा यार मेरा दिल तो आप पे है मुझ पे है क्या देखा मुझमें कुछ नहीं देखा तभी दिल आ गया मैं लाइक दिल जिस पे आता है वो प्यार से आता है ना ऐसे थोड़ी ना जरूर देखना ही है दिल तो दिल है कहीं पे भी आ जाता है दिल और देश कहीं पे भी आ सकता है जैसे लाइक पाकिस्तान देख लो रोड पे आ गया इसको शादी तो कर लूंगा लेकिन आप लोग रात में प्रोटेस्ट पे चले जाया करूंगा फिर फायदा क्या हुआ बांग्लादेशी आधे टाइम प्रोटेस्ट में होते हैं प्रोटेस्ट खत्म हो गया हम देश में प्रोटेस्ट खत्म हो गया इस प्रोटेस्ट में कितने हिंदुओं को भगाया आपने ये रूमर है जो बोलते हैं हम हिंदू को भगा दिया तो मेरे को एक चीज आंसर दो या मतलब हिंदुओं को मतलब भगाया जाता है और उन पे अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हर लोग हर इंसान ऐसा क्यों बोलते हैं कि रूमर है आज से 10 साल पहले हिंदू की परसेंटेज वहाँ पे कितनी थी और आज कितनी हो चुकी है वहाँ पे अगर ये रूमर है तो ऐसा क्यों है Run. हम भी दुल्हा ढूंढ रहे थे यू नो आप सामने आ गए क्या बात है यार मैं शर्मा जाऊंगा अभी तो यार बोलो जीजाजी एक बार और जीजाजी हाय हाय कश्मीर का बर्फ तुम्हारा और आपके घर में कौन कौन है हमारे घर में सब है सारी चीजें अवेलेबल आटा छोड़ के हाँ आटा छोड़ के पानी छोड़ के भिजवा दो इंडिया से तेल छोड़ के पेट्रोल छोड़ के पूरा पाकिस्तान छोड़ के सब है हाँ तो फिर इंडिया आ जाओ ना इतनी कमी है तो इंडिया ही लगता आना पड़ेगा बिना सेरे के यार गजब लगते हो ये उतार दो भाई ये लड़की ना भाई इसके मन में खोट है खोट कहाँ अब तो चोट लगी है हाय हाय देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी बात करने लगी मेरे आते ही देख लो तुम्हारा असर है एक मिनट के लिए वो गले वाला भी उतारो क्यों सब कुछ उतरवाना चाह रहे हो उतार
यार कुछ और उतारने का नहीं बोला भाई, उतारो बस। नहीं अब इससे ज्यादा नहीं उतार सकता भाई मैं। अब कयामत लग रहे हो। आज से मैं अपना नाम कयामत रख लूं? हाँ हाँ कयामत ठीक है। एक चीज बताओ, अगर मेरा नाम कयामत हुआ और मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो पाकिस्तान में क्या आएगा? कयामत आ गया। क्या सोच है रे तेरी? मतलब बंदे का अच्छा टाइम पास हो जाता है। क्या लगा रहे? विक्स है। जुकाम आपको? शादी से पहले ही जुकाम। ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद ही जुकाम होना चाहिए? तू समझा? पहले बाद में भी हो जाता। नहीं मतलब ठंड लग जाती है यू नो। ऐसा क्या होता है कि ठंड लगती है? आप इधर आओ, आपको बंदूक चलाना भी सिखाऊंगा। मुझे चलानी आती है वैसे। अच्छा जरा मेरे दिल पे चला दो। एक्टिंग अच्छी है आपकी वैसे, आपको एक्टर होना चाहिए है ना? दिखते भी अच्छे खासे हो। आप लोग कर लेते हो एक्टिंग? नहीं हमें नहीं आती। खाओ माँ कसम। एक डायलॉग बोलो, चलो एक डायलॉग तो बोल ही लोगे। क्या बोलो? आटा दे दो। आटा बहुत है वैसे, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छुट्टी? अरे मांगना नहीं है। मैं नहीं बोल सकती। ये आप बोले आटा दे दो, ये क्या इसमें क्या हो गया? मैं आपको एक डायलॉग बता रहा हूँ, डायलॉग बोलने का। मैंने बोल दिया यार ये तो। जी 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 क्या बोले? आटा दे दो। लेकिन फिर आप लोगों के पास क्या बच जाएगा? आप शर्मा क्यों रहे बेगम मेरे सामने है ना, इसलिए शर्मा रहा हूं। सात फेरे कब लिए थे जब बेगम बन गई? अभी सात फेरे लेंगे ना आकर। मंगलसूत्र? हाँ मंगलसूत्र बनवाया ना इसके लिए। धागे का है, सोने का है, चांदी का? आटे का। मंगलसूत्र के का? इतना प्यारा, वाओ। तार का मंगलसूत्र है, बॉम्ब बनाने के काम भी आ जाएगा। सही मेरे क्या? ओके गाइस, तो अच्छी वीडियो थी, फंटेस्टिक वीडियो थी। और दोबारा से अदृश्य जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की, इस दफा बांग्लादेश अंदर ऐड हो गया, तो उन लड़कियों को भी रोस्ट करते हम लोगों को नजर आया। और जिस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह बांग्लादेश के अंदर होता है, हिंदुओं को भगाते हैं, तो वैसे ही जो है वो उस हिसाब से वो उनको जो है ना वो यू नो कि मतलब उनको बुरा भी ना लगे, मजाक मजाक में भी, और वैसे भी उनको रोस्ट भी जो है अदृश्य ने कर दिया। मनवर फरूकी के पास भी गए, वहां पर भी इन्होंने अपना जो है ना रोस्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। और मतलब अदृश्य से अच्छा रोस्टर मेरे ख्याल से तो कम ही है जो उमेगल के ऊपर आके इतना रोस्ट करता है बांग्लादेश और पाकिस्तान को। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, अपने उच्च विचार जो है कमेंट सेक्शन के अंदर स्थापित कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम को गुवाए नहीं, अभी तो नेक्स्ट में मिलते हैं ना, ये वाली लाइन तो उधर बोलनी थी स्टार्टिंग में। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।